हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लगभग 68,500 सीट में कितनी सीटें भर पाएंगी और कितनी सीटें खाली रह जाएंगी। क्या उम्मीद है खाली रहने की? ये नहीं है। इस इमेज को देख के लगभग आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि कुछ सीटें खाली रह सकती हैं या नहीं रह सकती हैं। जैसे कि देखिए, 68,500 वाली भर्ती में आपके 1,07,000 बच्चे जो आपकी परीक्षा जिन्होंने दी है, 1,07,000 बच्चों ने, जिसमें कि क्या कहते हैं आपके टेट, BTC टेट पास उपस्थित जिसमें हुए, लगभग ये सारे आंकड़े लगभग में 60,000 पास, उसमें से लगभग हो जाएंगे 50,000 जो कि 83.3% की लगभग, और 10,000 जो कि फेल हो जाएंगे। और जैसे कि आप लोग सब जानते भी होंगे, 32,000 की लगभग शिक्षा मित्र जो टेट पास हुए हैं वो इस पेपर में बैठे हैं, जिसमें कि लगभग 50% की उम्मीद रखते हुए 16,000 पास होंगे और 16,000 के लगभग फेल हो जाएंगे। यही आंकड़ा कुछ BTC में जो टेट फेल थे लेकिन उन्होंने फिर भी फॉर्म भर दिया था, वो लगभग 10,000 होंगे, 5,000 फेल होंगे, 50-50 का मान लेते हैं। और बाकी शिक्षा मित्र जो टेट पहले से फेल थे लेकिन उन्होंने लगा दिया था फिर भी, वो लगभग 3,000 और 1,000 मान लीजिए पास है, 33%, 2,000 वो। और कुछ शिक्षक जैसे 12,460 वैकेंसी में या किसी और वैकेंसी में जो सर्विस जिनकी लग गई है, ऐसे मिनिमम मान लीजिए कि 2,000, नहीं तो 2,000 से ज़्यादा भी होंगे फिर भी हम मिनिमम 2,000 मान लेते हैं, और उनको 50% पास होंगे तो लगभग 1,000, 1,000 फेल हो जाए। तो इस हिसाब से लगभग ये टोटल आपका 1,07,000 बच्चे, जिसमें कि क्या कहते हैं ये 73,000 जो बच्चे हैं लगभग पास हो जाएंगे और जो फेल होंगे। तो इस हिसाब से लगभग ये आंकड़ा है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इतने बच्चे ये पास हो रहे हैं। BTC टेट पास में 12,460 का प्रतिशत लगभग इतना है, ये देखिए कितना है, 12,460 में ज्वाइन होने वाले 6,460, जिसमें कि 3,500 ओ पास हुए, 500 फेल हुए, उपस्थित 400। जीरो जनपद वाले लगभग 6,000 बच्चे हैं जिसमें कि 5,500 पास होंगे, 900 और 500 फेल, उपस्थित 6,000, और ये लगभग पास हो जाएंगे टोटल 9,000। तो कुल पास हमारे 73 हुए थे और 12,460 जी भर्ती पूरी हो जाएगी तो उससे ये लगभग 9,000 बच्चे माइनस हो जाएंगे। और जो कि ये भर्ती जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है, जुलाई में सत्र एक प्रकार से दोबारा से शुरू होता है हर चीज़ का, तो इस हिसाब से लगभग 64,000 बच्चा ये आपका बचेगा। और पासिंग पास परसेंट लगभग 70% की तरह लगभग जाएगा ये, इस 64,000 को देखते हुए। ये लगभग जब आप 1,07,000 का 70% निकालेंगे तो अबाउट 64%, 64,000 बच्चों का जाएगा। तो आपको इतना तो अंदाज़ा है ही है कि 68,500 सीट में 64,000 सीट के लगभग भरने की उम्मीद है। तो ये आंकड़ा एक मोटा मोटा आंकड़ा है, देख सकते हैं कि इससे ये आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि सीटें बचने की उम्मीदें ज़्यादा हैं। इससे सभी बच्चे परेशान ना हो, और आपत्तियां तो लगभग हो ही चुकी हैं, अगर आपत्तियां PNP मानती है तो अच्छी बात है, कुछ लोग और पास हो जाएंगे और कुछ लोगों के नंबर बढ़ भी जाएंगे, तो इससे ज़्यादा असर पड़ने नहीं वाला है। ज़्यादा ज़्यादा आपके पास होने में 1,000 बच्चे और पास हो जाएंगे तो ये 65,000 बच्चे आप मान सकते हैं। तो इससे आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे पास हो जाएंगे 99 तो नहीं कहेंगे, 90% तो सबकी नौकरी लगनी है, ठीक है। और इस तरह से तमाम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।